दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी पंजाब पॉलिटिकल अफेयर्स इंचार्ज जरनैल सिंह जी, आप सबका और समूची आम आदमी पार्टी की लीडरशिप का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जी आयानो, सारी दुनिया में आज इस प्रोग्राम को देख रहे, पंजाब के कोने कोने में आज इस प्रोग्राम को देख रहे हर एक पंजाबी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार यह होने जा रहा है कि एक पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो यह जनता द्वारा चुना गया, लोगों की राय शुमारी से चुना गया। आज से एक हफ्ता पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोन नंबर जारी करके पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों से उनकी राय मांगी थी। आपको कहा था कि आप बताएं कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। बेशुमार कॉल्स, बेशुमार व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस हमें आए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 21 लाख से भी ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और उन्होंने अपनी राय हम सबके सामने रखी। अब मैं और समय नहीं लूंगा, जिस घड़ी का हर पंजाबी को इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है। मैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, करोड़ों पंजाबियों की दिलों की धड़कन हरमन प्यारे अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे।
हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए, लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए, एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। मैं अपने बड़े वीर भगवंत मान साहब नू दिलों बधाइयां दिंदा हां, मेनी कंग्रेचुलेशंस मान साहब। और अज मैं यह गल खुल के कह सकता हां कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा भगवंत मान, पंजाब दा अगला सीएम साडा भगवंत मान, साडा सीएम भगवंत मान। अब मैं मान साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे एक वीडियो के जरिए आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं वीडियो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को प्लीज प्ले करें।
आम का बीज जमिया खूब मिल गया लोखंडा प्यार उसे प्यार न कर्ज उतारण नहीं राजनीति च रिहा कहा जिला संगरूर पिंड सतौज दे एक आम जिहे परिवार विच 13 अक्टूबर 1973 नूं माता हरपाल कौर अते पिता मास्टर महेंद्र सिंह दे घर जन्मे एक कलाकार एक व्यंगकार जिन्हां नूं लोकां दे प्यार ने शिखरां तक पहुंचाया अज उन्हां दा कर्ज उतार रहे ने सत्ता दे गलियारे विच बन के लोकां दी आवाज भगवंत मान जिंदगी पहले दिन तो ही आम लोकां दे मुद्दियां ते आधारित रही है अपनी मेहनत दे दम ते कलाकारी दे मंच तो शौहरत हासिल करने वाले भगवंत मान बतौर कलाकार भी लोकां दे मुद्दे चुकदे रहे सन दाज करके सारी गई भैन बोलदी है जन्म तो पहला मारी गई धी बोलदी है पर किसी ने समझण दी कोशिश नहीं कीती जो बेचारी की बोलदी लोकां दे चेहरे ते मुस्कान लेके आने वाले भगवंत मान दा बचपन मालवे दे किसी भी आम पिंडू बच्चे वांग सतौज पिंड दीआं गलियां विच खेड के बीतिया सी अपने काफिले नूं रोक एक किसान दे खेतां विच उठ रहियां अग दीआं लपटां नूं दलेरी नाल बुझाउण विच लग रहे इह भगवंत मान बचपन तो ही किसे दा बुरा हुंदा नहीं सी जा सकदे अपने काम भावें विच रह जाण पर जेकर किसे नूं मदद दी लोड़ आ तां भगवंत मान भज के उस दे नाल खड़दे रहे भगवंत मान शुरू तो ही मेहनत करन तो पिछे नहीं सी हटदे कदे पैदल ते कदे साइकिल ते अपने पिंड तो 7 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक चीमा मंडी दे सरकारी स्कूल विच पढ़न जांदे फिर वापस आके घर दा काम भी करदे सी स्कूल दी पढ़ाई पूरी करन तो बाद भगवंत मान ने सुनाम शहर दे शहीद उधम सिंह कॉलेज विच कॉमर्स विषय दी पढ़ाई शुरू कीती जिस दौरान अलग अलग विषयां ते होण वालियां भाषण प्रतियोगितावां व्यंग नाटक अते डिबेट आदि विच कॉलेज लई कई मेडल जीत के लिए आए पिंड सतौज दे उत्त्या ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸੀਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਤਮਾਨ ਕਰਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ 10 ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਾਓਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਵੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਸਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਜੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ जब भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नाल मुलाकात हुई तब दोहां दे विचार इक्को जिहे सी जिथे केजरीवाल ईमानदार ते सूझवान लोकां दी भाल विच लगे सी उथे ही भगवंत मान भी पंजाब अते देश दे हित विच किसे ईमानदार सियासी पार्टी नाल जुड़ना चाहुंदे सी तां जो लोकां दी सेवा कर सकण बस फिर 2014 विच भगवंत मान नूं मिलिया आम आदमी पार्टी दा ओह मंच जिस ने पंजाब नूं बदलाव लै के जाण दी अलख चढ़ाई भगवंत मान ने भी अपने कलाकारी की शोहरत इको झटके में छड़ के पंजाब दे भले लई रिवायती पार्टियां दे लुट टोड़े नाल लड़न दा फैसला लिया आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान नूं 2014 विच संगरूर तो टिकट दित्ती उस वेले भगवंत मान ने कहा सी कि मैं कमीशन ते नहीं मिशन ते आ इस मिशन नूं पते करन विच पंजाबियां ने भी भगवंत मान दा साथ दित्ता
सब तो बड़ी पंचायत लोकसभा में पंजाब अते पंजाबियों लई लगातार लड़ते रहे। इस बार भी भगवंत मान ने संसद विच पंजाब दे हर वर्ग दे मुद्दे जोर शोर नाल चुके अते किसान मारो तीन काले कानूनां दे विरोध विच इकल्ले ही बब्बर शेर वांग दहाड़े। यही वजह है कि अज भगवंत मान पंजाब दे हर किरती ते कामे दे मनपसंद लीडर ने। केजरीवाल के सब तो भरोसेमंद साथियों वजो जाने जाते हैं। पंजाब की जनता भी भगवंत मान को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री वजो देखना चाहती है। इसकी सब तो वड्डी मिसाल उस वेले सामने आई जब आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी कर पंजाब की जनता तो पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे की राय मंगी। 15 लाख तो वध लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया। केजरीवाल के सुनहरे पंजाब के सुपने नु पूरा करने लई महानायक की भूमिका निभा रहे ने भगवंत मान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने हर औखे सौखे टाइम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में, दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में मान साहब का साथ दिया और मान साहब के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रही। इन्हें मान साहब का सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मान साहब की छोटी बहन मनप्रीत कौर जी की। मैं मनप्रीत जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको और खास करके अपने बड़े भाई को दुआएं दें। सब तो पहला था दिल्ली दे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी ते पंजाब दी सारी आम आदमी पार्टी दी लीडरशिप, सारे मीडियाकर्मी, सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू भाषण नहीं देना आउंदा, मैं दो गल्लां ही करनियां ने तुहाडे नाल, क्योंकि एक भैण लई सब तो वड्डा खुशी का दिन हुंदा है जदों दे पेक्यां वल्लों ठंडियां हवावां आउंदियां ने, जदों दे भरा तरक्कियां करते हैं। सो मैं अज सब तो अपने आप नूं खुशनसीब समझदी हाँ कि मेरे वीर नूं एडी वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी पार्टी वल्लों ते पंजाब दे सारे वासियां वल्लों जो सौंपी गई है, ते परमात्मा अगे मैं अरदास करदी हाँ कि मेरे वीर नूं शमत ते बुद्धि बख्शे कि वह अपनी इस जिम्मेवारी नूं पूरी तरह निभा सके, क्योंकि असी आम घर च जम्मे हाँ, उत्थी पले हाँ, दुख भी देखे सुख भी देखे, आम लोगों दियां जिहड़ियां मुश्किलां ने वो सानू पता है। बाई जी ने पहला भी अपने 20 साल के जिहड़े अपने कॉमेडी के कैरियर च लोगों दियां समस्यावां नू ही अपने स्टायर का जिहड़ा बनाया सी, पर उन्हां दी एक तमन्ना सी कि जिहड़े ये हासा है ये दिलों होना चाहिए, सब दे चेहरियां ते जिहड़ा हासा है वो दिलों होवे। तां उन्हां ने फिर जदों राजनीति जाण दा फैसला लिया, हालांकि साडे परिवार च किसे ने कदे पंची दी चोण भी नहीं लड़ी सी, मैं खुद भी इस चीज लई डरदे सी कि आपां ने इस पंजाब की जिहड़ी राजनीति है तुहानूं पता ही है इहनूं किन्नी गंदली हो चुकी है कि इहदे विच जाके आपां ने किते कोई गलती ना कर लईए। पर बाई जी कहिंदे सी, कहिंदे मैं हासा उदों ही आउंदा जदों लोकां दा ढिड रज्जिया हुंदा, भुखे ढिड नाल हासा नहीं आउंदा, इहदे लई आपां नूं इहदे च आउणा ही पैणा राजनीति च। मैं पटियाले दे एक छोटे जे स्कूल च प्राइवेट स्कूल च नौकरी करदी हाँ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ आज एक बड़ा दिन सिर्फ मान साहब की बहन के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों बहनों के लिए जो बड़े उम्मीद के साथ आज मान साहब की ओर देख रही हैं। अब मैं मंच पे उन्हें बुलाना चाहता हूं जिनके कदमों में हर इंसान की दुनिया बसती जिसका नाम है मां। एक शायर ने बड़ा खूब फरमाया है कि रिश्ता कोई नहीं मां दे साख वर्गा, रिश्ता कोई नहीं मां दे साख वर्गा, पुत्र पावे जमाने दा वली हो जावे, है नहीं मां दे पैर दी खाक वर्गा। मैं मान साहब की माता जी, हम सब की बेबे जी श्रीमती हरपाल कौर जी को दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आए, हम सबको अपना आशीर्वाद दें, मान साहब को अपने आशीर्वाद से नवाजें। श्रीमती हरपाल कौर जी, मैं एक ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਣੀ ਮਾਂ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੇ ਸ਼ੀਸ ਵਾਦ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਕਰਦੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਲਮਹਾ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ इस मंच की ओर देख रही है। अब मैं अपने दोस्त, अपने बड़े भाई को मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो शख्स जिन्होंने सतौज पिंड से संसद तक एक कामयाबी का सफर तय किया, जिन्होंने हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से जनसभा से लेकर
लोकसभा तक उठाया, आज एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार, एक नए विश्वास के लिए तैयार। ये जहां भी जाते हैं वहां पंजाबी उमड़ उमड़ के इन्हें अपना प्यार देते हैं, बुजुर्ग सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, बहनें दुआएं करती हैं, नौजवान कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खिंचवाते हैं और बच्चे इन्हें देखने आते हैं। पंजाब दी आन बान ते शान साडा मान, मेरा बड़ा वीर भगवंत मान, प्रेजेंटिंग टू यू पंजाब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, अज इत्थे मंच ते आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर, एक एंटी करप्शन अंदोलन दे विचों एक पार्टी जिन्होंने बनाई, देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदल ली, श्री अरविंद केजरीवाल जी, LOP साहब हरपाल चीमा जी, तिलक नगर तो लगातार तीजी बार विधायक चुने गए, पंजाब के पोलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज जरनैल सिंह जी, रजिंद्र नगर तो MLA, पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी, आम आदमी पार्टी के MLA साहबान, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे अहदा दर अहदा वर्कर वलंटियर साहबान, मीडिया के सारे साथी, मेरे माता जी और मेरी छोटी भैन मनप्रीत, सब तो पहला तो मैं सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। अज पंजाब लई एक बहुत वड्डा दिन है, जिस तरह CM साहब ने कहा, बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी का मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाने की लाती जाए मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने के किसी चौंक च खड़ के झाड़ू नू लहराउण की सारा दिन लाती जाए मैं वो झाड़ू लहरा दूंगा, बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जदों मैं कॉमेडियन सी मैं लोगों जानता सी, लोकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों कितें जनसभा च जां कितें मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी, असीं पट्टे गए जी, साडे बच्चे गलत संगत च पै गए, सिव्यां दी अग जिहड़ी है उहदियां लाटां उच्चियां होई जांदियां ने, चुल्हे की अग का पक्का नहीं पता शाम को बढ़ेगी या ना बढ़ेगी, बाहरले मुल्कां नूं भज रहे हैं, सानू बचा लो जी। मैं अक्सर ही कहिंदा सी बचाउण वाला परमात्मा है जां बचाउण वाले तुसीं हो, पब्लिक लोग, असीं तां जरिया बन सकते हैं बस। अब्दुल कलाम जी ने कहा सी कि सुपने वो नहीं हुंदे जिहड़े सानू नींद चाहुंदे ने, सुपने वो हुंदे ने जिहड़े सानू सौण नहीं दिंदे। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा, पंजाब दे नौजवानां नूं रोजगार देण दा, उहनां दे हत्थां चों टीके खोह के टिफिन फड़ाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा, पंजाब दी खेती नूं लाहेवंद धंधा बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा, पंजाब दे व्यापारी नूं दोबारा अमन शांति वाला माहौल दे के रोजगार उहदा भी ते जिन्हां नूं रोजगार प्रोवाइड करूं उन्हां नूं नौकरियां दवाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। सारी आम आदमी पार्टी नूं इह टीम वर्क है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज मेरे ते पार्टी ने दित्ती है, पार्टी ने जिम्मेवारी दित्ती प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई ते मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। जिथे भी पंजाब वास्ते लोड़ होई, पहले असीं तां सौंदे नहीं, असीं तां पहले ही दिन रात इसे काम ते लगे हुए हां, जे सत्ता दा
जे हरे रंग का पेन पंजाब नूं सुधारन वाला लोगों दी जिंदगी च फर्क लिआउण वाला उन्हां दा जीवन पद्धर उत्तर चक्कण वाला जे पेन साडे हाथ च आया तां मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा अज करोड़ां लोग देख रहे होणगे कि उह पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक च चलूगा गरीबां दे हक च चलूगा वह किसी चेले चपटियां दे जां चमचियां दे हक च नहीं चलूगा वह लोगों के हक चलूगा। बाकी हौसले नहीं हारने जंग जित लेनी आपां उहदे वास्ते मेहनत करनी पऊ अजे जिन्ना चिर रीवन च नहीं बजदे पिछे मुड़ के नहीं देखना। सो पहला पहला सफर है कि आपां सरकार बनाईए उस तों बाद निराश नहीं होना कि की करिए ऐं हो गया हो गया कुछ नहीं हुंदा। पंजाब बहुत वारी डिग्गया पर पंजाब बहुत वारी उठिया भी है पंजाब पैरां सिर खड़ा होना जाणदा है। सुरजीत पात्र जी ने लिखा की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लिआउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। तुसी जमीन रखियो फुल्लां जोगी कलमे लभांगे इसे पंजाब की धरती ते भंगड़े पैंदे दिखावांगे तुहानू इसे पंजाब की धरती ते गिद्दे पैणगे इसे पंजाब की धरती ते लोग खुश होणगे जिते हुण धरने ने टैंकियां भरिया पईआं ने टावर भरे पए ने लोग छालां मारी जांदे जिहड़े नहरां दे विच अपना बेरोजगारी तो तंग आके असी बाहरले मुल्क दे विच जिहड़े जहाज जा रहे ने आईलेट्स करके भज रहे जिहड़ा साडा यूथ उन्हां नूं भी रोकांगे क्योंकि उन्हां नूं जे उन्हां दी डिग्री मुताबक इत्थे नौकरी मिल जाए किहदा दिल करदा है सत्त बगाने सत्त मुल्कां दे विच जिहड़ा जाके उत्थे धक्के खाण दा। सो पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा लंडन कैलीफोर्निया पैरिस दे सुपने असी बहुत देख चुके हां सानूं साडा पंजाब मोड़ दो। मैं तुहानूं इही बेनती करूंगा कि मेहनत करनी है कोई आपां देखो खुशी जिहड़ी है ना वह उदों मनावांगे जदों आपां पंजाब नूं खुशहाल कर लिया ठीक है ना। वो नैलसन मंडेला जी का कोट है कि जे जदों कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे तां आप पिछे हो जाओ कौम नूं अगे लाओ नच लैण दिओ लैट दैम इंजॉय ते जदों कौम ते कोई भीड़ पै जाए कोई दुख हो जाए तां आप मूहरे लगो ते उहनां नूं कहो आओ आपां इस मुसीबत का रल के सामना करदे हां इकट्ठे मिल के मोढे नाल मोढा ला के चलांगे और जित होगी और पंजाब जिहड़ा दुबारे प्रोफेसर मोहन सिंह जी का पंजाब होगा जिन्हां ने लिखा सी भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब का। सो नग जिहड़ा उहदे बिना मुंदरी जचदी नहीं आपां पंजाब नूं दुबारा नग बना के भारत की मुंदरी दे विच फिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी मेरे लिए दुआवां करन लई मेरे लिए अरदासां करन लई बहुत बहुत मेहरबानी सत श्री अकाल सारे। आप सभी का दिलों धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब इस कार्यक्रम में आए। अभी एक नए पंजाब की एक खुशहाल पंजाब की एक रंगले पंजाब की जो नींव आज हम सब ने मिलकर यहाँ रखी है परमात्मा मेहर करे कि हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुएं सफल हुएं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सब यहाँ पधारे। Thank you.